भगवान ने इतना अच्छा नेचर दिया गाइस, इतना अच्छा, देखो कितना अच्छा नेचर दिया है। और इस चीज को यार हम जैसे लोग गंदे कर रहे हैं तो यार साफ सफाई तो करने पड़ेगी। मार्केट में ऐसे कारनामे मत करो, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग इस तरह का कि हम जा रहे हैं बीट बिलिंग घूमने, और इस टाइम हमारी एंटोकी ब्रेक शू पूरे चले गए हैं पिछले, तो वो अभी ठीक करवाएंगे, न्यू डलवा रहे हैं और इंजन ऑयल भी चेक करवाते हैं, बिकॉज सर्विस है अभी। गाइस पूरी ब्रेक ख़त्म है इस टाइम, और यहाँ पे हो रही है ब्रेक चेंज। और आज साहिल की बाइक का इंजन ऑयल चेक करवा रहे हैं, कम है कि ज़्यादा है तो करवाते हैं, फिर देखते हैं कैसी रहती है आज की राइड। वहाँ पे अभिषेक भाई खड़े हैं और निखड़ है पूरा इंजन ऑयल, पूरा मैं भी करवा लेता हूँ अपनी इंजन ऑयल चेक, बिकॉज सर्विस करवानी है। बट बताया था आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो करवाते हैं सर्विस अभी और टायर चेंज करवाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी पेट्रोल फिल करवा रहे हैं और आज बीट जाने का प्लान है, बीट बिलिंग जा रहे हैं, तो अभी पेट्रोल रिफिल करवा रहे हैं और अपने भाई हैं यहाँ पे सारे साथ में, कोई नहीं कट हो जाएगी, और बीट बिलिंग जा रहे हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे रहती है राइड। भगवान करे सेफ रहे, और उस टाइम से ब्लॉग करना हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए निक की वजह से, तो अभी यहाँ से करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पेट्रोल फिल करवा लिया है, और शायद होप तो कि राइड पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और अभी चलते हैं। यहाँ पे साहिल भाई है, निक भाई है, अभिषेक भाई है, अभिषेक भाई, तो चलते हैं फिर यहाँ से अभी सीधे बीट बिलिंग। लेट्स कंटिन्यू आवर राइड। गाइस आ गए, मैं सब कहीं कहाँ रह गए, सारे आगे चलते हैं, पीछे रुकते हुए काफ़ी पतला रोड है, मेन मार्केट है, लोग चले होते चले पूरी हालत करी रखी होती है इंडिया की, मतलब जहाँ जाओ ट्रैफिक मिलेगा, मुझे लगता है 4 लाइन है, 3 लाइन है, हाईवे है, फ्लाईओवर खत्म हो जाए सारी प्रॉब्लम, हम भी खुल के लगा रहे हैं, अलग ही लेन मिल जाए हमको तो। निकालो बहुत जगह है, आगे
मार्केट में ऐसे कारनामे मत करो, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। ये साइलेंट करने पड़ेगा मुझे। What's up everyone? आज दिखाएंगे हम आपको ब्लॉग। ठीक है, तो आज आपका आज का ब्लॉग, और आज हमें राइट पे वर्ड बैजना साइड, और ये हमारा बॉडी बिल्डर, ठीक है बॉडी बिल्डर, और ये है निक सेक्सी, निक सेक्सी। तो अभी तक हम उल्टे पहुंच गए हैं उल्टे बैजना साइड, उसका देखते हैं क्या प्लान बनता है। बैजना ग्रोथ से यदि मूड बना तो ब्रॉड साइड चल जाएंगे, वरना आपको पता ही है फिर बिलिंग तो है ही है, तेल बचाना भी जरूरी है ना। और बताइए। बस भाई बढ़िया, चाय पीते हैं फुल पावर। अब बोलने ना हम चले नॉर्मल, ठीक है हम अपने साथ नॉर्मल चले। इसकी मार्केट बैटरी पीछे रह जा रहा, बहुत ज्यादा पीछे तू साले। तो गाइस अभी यहां से हम जा रहे हैं सीधे बीट बिलिंग, और करते हैं राइड। चाय पीने के लिए रुके थे थोड़ी देर, तो लेट्स गो। भैया पहले गियर में चलो। हाँ फिर आप बताओ, इधर रुको दो मिनट। क्या करना फिर, कहाँ जाना? तो भाई बीट जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, बिकॉज अभी हम सोच रहे हैं कि आज जल्द साइड चलते हैं, तो बीट नहीं जाना, क्योंकि बीट काफ़ी बार घूमे हैं तो थक गए हैं बीट घूम घूम के, कभी सीधे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे रुक गए हैं हम, और पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। भाई जंगल में मंगल, अरे कुछ सामान ले लियो था खाने पीने का, तो सब अच्छा रहता। आज तो भाई मस्त ऑफ रोड हो रहा है। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, तो सारे दोस्त यहाँ पे हैं इस टाइम। और यार गाइज एक चीज पसंद नहीं आई मुझे यहाँ पे, मतलब लोग आते हैं पार्टी करते हैं तो चुप रहे। तो यार देखो ये इतने कचरा पे फैला के रखा है, तो कोई नहीं जाने से पहले साफ कर देंगे इसको, बट ये चीज ना गाइज पसंद नहीं आती, बिकॉज यार अपना हिमाचल है, अपने जंगल है, ये सब करोगे तो देवभूमि ऊपर से हिमाचल, और ये ऐसे चलो खाना पीना है आपको खाओ, बट सुजानपुर से स्पेशली आए क्यों इस चीज को देखने के लिए। और गाइज ये सीन मतलब ये भाई सुजानपुर से आए, ये वैसे मर्चेंट नेवी में, और ये क्या देखने को मिल रहा है यार। चलो आप पार्टी करते करो, बैठो यहाँ पे, बट ये सब चीजें क्यों करते हो तुम? हमने तो आज तक कभी किया नहीं, इनफैक्ट हम साफ करके जाएंगे इसको। तो गाइज अभी सोच रहे हैं इसको साफ कर दे, बिकॉज मैंने आते बोला था आपको कि हाँ ये चीजें साफ करनी है, बिकॉज यार लोग आते हैं कचरा फैला के चले जाते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ पे किस किस चीज़ की दारू दूरू की बोतलें फेंके यार, एटलीस्ट तुम पी रहे हो तो इसको साफ तो करो। अब देखो सब साफ सफाई चलेगी यहाँ पे, 15 मिनट तो साफ सफाई चलेगी। तो यार एक तो ये चीज़ मत पिए करो सिगरेट, इंजूरियस टू हेल्थ। दारू फिर भी ठीक है, बट ये चीज़ तो कभी ट्राई मत करो गाइज। मतलब फेंको भी मत ना, मतलब इनको मतलब कचरा फैला के जा रहे हो तुम यार, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती ना।
मतलब अपने नेचर को आप खुद गंदा कर रहे हो। मतलब भगवान ने इतना अच्छा नेचर दिया गाइस, इतना अच्छा, देखो कितना अच्छा नेचर दिया है। और इस चीज को यार हम जैसे लोग गंदे कर रहे हैं तो यार साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब देखो साफ सही लग रहा है यहाँ पर, देखो गाइस अभी साफ कर दिया, कितना सही लग रहा है। अब यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं, अभी वहां पे भी साफ करते हैं इसको, पता है यूज़र लोग तो फिर डाल देंगे गंद से। वो तो है भाई, मतलब चलो अभी साफ करके जाएंगे, मजा आता है ऐसे जगह पे खाने पीने का, मजा आता है। ठीक है, लाओ लड़कियां, लाओ कुछ करो, एंजॉय करो, प्रॉब्लम ये है कि फिर उसका साफ तो करो एटलीस्ट। हां छोड़ के मत जाना ऊपर। चलो गाइस अब साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गाइस अभी साफ सफाई कर दी यहां से, ये बच गया एक कागज। तो यहां पे सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं हमने, अब जाते टाइम इनको ले जाएंगे किसी डस्टबिन में डाल देंगे। और कितना साफ लग रहा है अभी यहाँ पे, देखो पहले कितना ज्यादा कचरा था यहाँ पे वहाँ पे, अब पूरा साफ लग रहा है। और मैं कौन जगह भैया, जोगिंदर मंडी डिस्ट्रिक्ट है मतलब, तो मैं मंडी पुलिस से, तो मंडी पुलिस भी यहाँ चीजों का ध्यान रखे कि हाँ जैसे यहाँ पे गंद पड़ा होता है, यहाँ पे लोग वगैरह पीना खाने बैठते हैं। चलो ठीक है बैठे हैं, वो पुलिस वाला अपना काम करें आगे, बट उनको ये बोलो कि एटलीस्ट यहाँ पे जो सामान फेंक रहे हो, जो कर रहे हो वो तो साफ करके जाओ। बाकी थोड़ी देर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, दोस्त वगैरह गए हैं कुछ खाने के लिए लाने के लिए, बैठते हैं इंजॉय करते हैं, फिर जाते हैं यहाँ से और इस कचरे को भी ले जाएंगे फिर। गाइस विल बैक, तो दोस्त वगैरह गए थे कुछ सामान लेने, तो वो आ चुके हैं इस टाइम, और ये आ रही है अपनी बीस्ट एंटॉक, छोटी सी भीली भाई की। और भाई तुम दोनों के लिए सरप्राइज है, भाई तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम जंगल में इस टाइम, और ये पीछे साहिल भाई और अभिषेक भाई ब्लॉग कर रहे हैं, और आगे जाके देख सकते हो आप अपनी भी एंटॉक लग चुकी है, और यहाँ पे हमने सारा कचरा कुचरा साफ कर दिया है। गाइस देख रहे हो भाई पूरा साफ कर दिया है, पूरा साफ है, कैसे लग रहा है। तो गाइस अपनी बीस यहाँ पे लग चुकी है, और वहां पे हमने कचरा इकट्ठा कर दिया है। तो अब जाते टाइम, और गाइस यार 50 भाई इस वीडियो में कितना एम रखे, वी वांट 1k लाइक, 1k लाइक ओनली, 1k अभी छोटे, तो प्लीज गाइस यार 1k लाइक कर दोगे, मेरे को पता है, मेरे को अपने सब्सक्राइबर पे भरोसा है कि 1k तो करवा ही दोगे आप ऐसे तैसे करके। प्लीज गाइस सपोर्ट मी। थोड़ी देर बैठे थे, बातें बूते की हैं, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, तो अब यहाँ से निकलते हैं, वो वहाँ पे अपने कूड़ा इकट्ठा किया था उसको भी लेके चलते हैं। तो सो गाइस यहाँ पे अपने सारे दोस्त बैठे हैं, दोस्त वगैरह बैठे हैं, और चलो थोड़ा सा स्टंटिंग वगैरह कर रहे हैं ये, तो दिखाते हैं आपको इनकी स्टंटिंग भी। तो गाइस का ओ भाई 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 यार क्या ये लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, नहीं लगी ना, ओ यार भाई ठीक है ना, लगी लगी तो नहीं, नहीं, यार, नहीं पक्का भाई यार, हो गया यार। चल कोई ना, तेरे को तो लगी है ना, नहीं यार, चल ठीक है, स्कूटी भी सेफ है पूरी। और भैया तो गाइस अभी भैया स्टैंड करने लगे यहाँ पे, छोटा सा बिल्ली या फिर ओ भाई भाई सही है, नहीं 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 नीचे को नहीं भाई, वंस मोर ओ भाई बिल्ली, ओ भाई बच गए भाई, जस्ट थोड़ा सा बचे, बता ज्यादा नहीं, ज्यादा भाई बस ज्यादा हो रहा है भाई, इसकी हालत बुरी है आज, भाई रहने दे भाई रहने दे यार, भाई रहने दे, भाई रहने दे भाई, ये तो अपने पेड़ से उठा देता है बंदा, आए मोड़, देखो गाइस मोड़ने का सस्ता स्टाइल, मतलब ज्यादा जोर भी नहीं, सीधे उठा के मोड़ दो, ये देखते हैं निक्चा करेगा अब, ठीक है कब जा रहा है अपना,
बस हो गया। और यहाँ पर देखो जीरो बन चुका है, बस बस बस। सो गाइज अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, जावा भी स्टार्ट हो गई है, मतलब स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, स्प्लेंडर स्टार्ट हो गया है, एक्टिवा स्टार्ट हो गई है, जावा स्टार्ट हो गया है। गाइज आवाज़ सुनो इसकी आप, भाई वर्न आउट क्या। भाई स्प्लेंडर में अब भाई निक भाई बोल रहे कि मैं भी बर्न आउट मारूंगा। तो गाइस यहां से अब चल पड़े हैं। मैं गया था थोड़ा सा कूड़ा फेंकने, जो कूड़ा इकट्ठा किया था यहां पे, बिकॉज जो चीज़ें फैलाई थी वो उठा के तो चले गए हम, फेंक भी दिया कि डस्टबिन था। तो गाइस अब चलते हैं सीधा ऑफ रोड करके घर, थोड़ी बहुत एक दो रील्स बनाने के लिए बोल रहे हैं तो वो भी बना लेंगे आगे अभी हम। गाइस यहाँ पे पूरी ग्लू इकट्ठी कर रखी है इन्होंने, जो इस पेड़ों से निकलती है, ऐसे ये निकलती है ना ग्लू, देख सकते हो आप गाइस ये ग्लू। ये भी प्रोजेक्ट होता है शायद एक सरकार की तरफ से, ये पूरे टीन के कैंस इनसे भरे पड़े हैं, बिकॉज प्लास्टिक वगैरह में डालेंगे तो वो चलेगा नहीं। और चलो देखते हैं अब, एक मिनट रुको। सो गाइज अभी यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, थोड़ा रील्स वगैरह बना रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, तो इंस्टाग्राम में लग जाएगा, चारों बंदों का लिंक आ जाएगा इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा यूट्यूब की, हाँ सॉरी। तो गाइज चलते हैं फुल पावर, बाइक की बाइक का तेल खत्म हो चुका है इस टाइम, इतने ज्यादा गेड़िया मारी यहाँ पे रील्स के लिए हमने। भाई 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 बिल्ली बिल्ली भाई कैमरा नीचे हो गया बिल्ली के टाइम। यहाँ पे फिर चलते हैं हम और चाय पीते हैं, डन चलते हैं वापस। क्या मिल चुका है, एकदम क्यूट सा बच्चा, ये देखो कितना क्यूटी क्यूटी है ये, भाई बाइट मत करना बस। गाइस मिल रही है ना शक्ल, मिल रही है ना गाइस, गाइस शक्ल मिल रही है ना,
भाई इस बंदे का कुत्तों से बहुत प्यार है, कितना क्यूटी सा है यार ये, कितना क्यूटू सा है यार ये। सो गाइस अभी यहाँ से चल पड़े हैं हम और अब पालमपुर। सो गाइस चलते हैं अभी यहाँ से, बाय क्यूटी। कितना क्यूट सा यार ये पप्पी, एक्सीडेंट हो चुका है इस टाइम गलत वाला। ओ भाई कहाँ से निकाल रहे हैं गाड़ी, पीछे लग गई है। ये अपनी बीस चमक रही है इस टाइम। हाँ बस एंड चले चल सकते हैं, ठोक दी गाड़ी यहाँ पे। चलो बस स्टैंड के अंदर चल पड़ते हैं गाइस। यहाँ पे हो चुका है कांड और अभी बस स्टैंड के अंदर से जा रहे हैं हम। यार किस जगह पहुँचते हैं ना बुरी हालत हो जाती है। मेरी मामू की जॉब। तो गाइस ये अपना बैजनाथ का बस स्टैंड। भाई आराम से एग्जॉस्ट भाई, फुल पावर लगे एग्जॉस्ट को देने के लिए। हाँ हाँ साहिल को ठीक दिमाग है, निकाल दिया इसने बाहर। यार इतना बड़ा ट्रैफिक लग चुका है, बताओ ऊपर से लाइन लगी थी यहाँ तक पूरा फुल ट्रैफिक। भाई कंटेंट मिल गया अपने को तो। ओ भाई यहाँ पे भी चला है, चलो हम निकाल देंगे, निकालें या नहीं पुलिस वाले रोक लेंगे ना। तो वेट करते हैं अभी, 86 चला है। गाइस यहाँ पे रुके रहे तो लग जाने एक दो घंटे इधर ही, तो भलाई इसी में ही निकलते हैं यहाँ से इस टाइम। भाई फुल पावर ट्रैफिक लग गया है इस टाइम, फुल पावर मतलब। भाई परफेक्ट क्लीनिंग यार, मतलब जाब है यार इसका, मतलब ग्राउंड क्लियर। ओ भाई गाड़ी, गाइस देखो गाड़ी का सेम नंबर है 777 और भाई की बाइक का देखो 997। What a coincidence! तो गाइस अभी गए थे राइड पे, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग राइड रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अभी हम, और यहाँ से भाई भी घर जा रहे हैं, अनिक भाई भी और साहिल भाई भी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो ठीक है भाई फिर मिलते हैं फिर, ठीक है साहिल, ठीक है भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।